हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैविक केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बाई न्यूक्लियर मेटल क्लस्टर्स का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें हमने रीनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी स्टडी किया था। उसी की बेसिस के ऊपर जो रीनियम के कंपाउंड्स हैं उनका हम लोग मेटल मेटल बॉन्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बाई न्यूक्लियर रीनियम कंपाउंड्स में मेटल मेटल बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये सीएसआईआर नेट और गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, ये काफी इजी होता है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों इसमें मेटल मेटल बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो 1 by 1 हम इस एग्जाम्पल्स को करते ही कैसे इसमें मेटल मेटल बॉन्ड्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो ये एग्जाम्पल दिया गया है, पहला एग्जाम्पल आप देखिए क्या है, Re2Cl4PnE2PH4 लिखा हुआ। यहां पे अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में फिल कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए रेनियम मेटल, तो रेनियम में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, रेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d5 and 6s2 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये मैंगनीज फैमिली में आता है, मैंगनीज 3d हो गया और तो ये कैसा हो गया 5d सीरीज का एलिमेंट। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट रेनियम की निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक जो लिगैंड लिखा हुआ है, क्या लिगैंड लिखा हुआ है, एक लिगैंड है PME2 PH, ऐसे लिखा हुआ है PME2 PH, और इसका PME2 PH का होल 4 लिखा है। PME2 PH जो है ये क्या चीज है, ये सिमिलर होता है PH3 से सिमिलर होगा। यहाँ पे क्या है, एक फॉस्फीन, दो फॉस्फीन हटा करके दो फेनाइल रिंग हटा करके सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए गए, बाकी चीज सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, फास्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे भी फास्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ये होगा। अब ये कैसा है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो न्यूट्रल है इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी ऑक्सीजन न्यूट्रल है इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे रीनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट किससे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो 2 रीनियम एटम है प्लस, अब देखिए -1 क्लोराइड भी है। ठीक है, N2 4 कर दें। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लिगैंड लिखा है PME2 PH4 ये न्यूट्रल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फर्क नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, +2, यहाँ पे +2 होगी। ठीक है, तो +2 का मतलब है कि एक रेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। अब इस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। सिमिलरली दूसरा रेनियम एटम जो है उसमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में डी में 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है, अब 2 रेनियम एटम में 5 5d इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का अगर हम सम कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में फिल करना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है, आपने पढ़ा से एक सीमा, फिर इसके ऊपर 2 पाई, फिर क्या होता है एक डेल्टा, फिर डेल्टा स्टार होता है, फिर पाई स्टार, और उसके ऊपर क्या होता है सिग्मा स्टार। ठीक है, सबसे ऊपर जो होता है वो सिग्मा स्टार, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हमें इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर देने। तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे तो 2 इसमें आ गया सिग्मा में, 2 पाई, तो डेल्टा में, 1 इसमें आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, वो किसमें जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्ड ऑर्डर हो गया, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में माइनस, एंटीबॉन्डिंग में कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज होल्ड कितना आएगा 3 आएगा, दैट इज यहाँ पे 3 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे। और जब ये रेनियम एटम के बीच में जो है यहाँ पे 3 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे,
और जब भी हमने कहा था कि जब थ्री मेटल मेटल बॉन्ड होंगे तो ये कंफॉर्मेशन इसका कैसा होगा, ये स्टैगर्ड होगा, तो हमें पता चल गया ये कैसा है, स्टैगर्ड है। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल नहीं है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं है, इसीलिए ये कैसा होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल लिखा, इस तरह यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लिगैंड है ये कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब न्यूट्रल स्टेट है तो इसलिए न्यूट्रल है इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो रेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो रेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलेगी, 2x + -1 × 4 कर देंगे क्लोरीन के लिए, और दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +1, ये चार्ज लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x + -4 दिस इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 2.5 आएगी। तो देखिए जब भी 2.5 वैल्यू आएगी तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू तो नहीं हो सकती रेडियम की, रेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल नहीं होगी। दैट इज इसका मतलब ये है कि एक रेडियम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 होगी, और दूसरे रेडियम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2x की जो वैल्यू है वो +5 है, तो इन दोनों का अगर एक रेडियम एटम की +2 और दूसरे रेडियम एटम की +3, इसीलिए इन दोनों का अगर सम करें तो कितना आता है, 5 आता है। तो 2x = 5 है, इसका मतलब एक +2 स्टेट में होगा, दूसरा कितना होगा, +3 स्टेट में। अब +2 स्टेट में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, d5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे पहले एग्जाम्पल में देखा। +3 स्टेट में क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होते, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो जाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स कहां तक सम कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 9 इलेक्ट्रॉन आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरने, अब आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका निकालें तो 8 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे, -1 इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो एंटीबॉन्डिंग में चला जाएगा, तो 8 - 1 / 2 दिस इज इक्वल टू 3.5 आ जाएगा। दैट इज ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। सिमिलरली बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें रेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। देखिए 2x + -1 × 4 दिस इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो 2x दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। दैट इज एक रेडियम एटम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, 7 में से 3 रिमूव हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ठीक है, सिमिलरली दूसरे रेडियम एटम में भी क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इन दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। 8 इलेक्ट्रॉन देखिए, 8 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो मैक्सिमम अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करेंगे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज सारे के सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर दिस इज इक्वल टू 8 - 0 / 2 दिस इज इक्वल टू 4 आ गया। अब 4 आने का क्या मतलब, यहाँ पे रेडियम एटम के बीच में 4 बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की तरफ। ये तो आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बनाया है। ये एग्जाम्पल जो है ये यूनिक एग्जाम्पल है जिसमें मेटल मेटल क्विंटिपल बॉन्ड है। कैसे हैं, इसमें क्या है, मेटल मेटल क्विंटिपल बॉन्ड। ठीक है, इसमें 5 बॉन्ड है मेटल मेटल। अब यहां पे आपको देखना है कि यहां पे इस एग्जाम्पल में क्रोमियम क्रोमियम के बीच में 5 बॉन्ड है और ये एराइल कॉम्प्लेक्स है। इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो रेनियम कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो जितने भी बॉन्ड हैं वो कितने हैं, 5 मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं। दैट इज एक सिग्मा है इसमें, क्या क्या है कि आप देख सकते हैं कि 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, दैट इज 1 सिग्मा +2 pi + 2 delta बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे 2 डेल्टा बॉन्ड होते हैं। अब ये डेल्टा बॉन्ड कैसे बनते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है वो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल से बनता है। ठीक है, पाई बॉन्ड है डी वाई जेड और डी एक्स जेड ऑर्बिटल से बनता है, जैसे कि रेडियम कॉम्प्लेक्स में बनता था। ठीक है, डेल्टा बॉन्ड जो है वो रेडियम कॉम्प्लेक्स में सिर्फ
डी एक्स वाई ऑर्बिटल से बनता था, लेकिन यहाँ पे दो डेल्टा बॉन्ड है इसलिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल भी डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। तो आप देखिए कि यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड जो है डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखने की बात है, वहां पे हम लोगों ने इलियम कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने मेटल का हाइब्रिडाइजेशन निकाला था, लेकिन क्या हम यहाँ पे मेटल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो यहाँ पे नो हाइब्रिडाइजेशन होगा, नो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होगा? हाइब्रिडाइजेशन इसलिए नहीं हुआ कि सारे के सारे जो डी ऑर्बिटल है वो मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो कोई भी आपकी ऑर्बिटल जो है वो ऐसी भी ऑर्बिटल नहीं है जो कि मेटल मेटल बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हो रही हो। अब क्रोमियम में यहाँ पे देखिए, क्रोमियम में एक जो ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, एक ये जो सिंगल बॉन्ड है ये वाला, ये कैसे बना होगा? ये जो बॉन्ड है ये कैसे बना है? फॉर्म्ड बाई प्योर एस ऑर्बिटल, प्योर एस ऑर्बिटल से बना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्योर एस ऑर्बिटल से बना है। क्रोमियम का जो कॉन्फिगुरेशन होता है वो क्या होता है? 3d5 4s1, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो 5 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो 5 इलेक्ट्रॉन है डी वाले, वो मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, और केवल जो 1s इलेक्ट्रॉन, जो 4s1 इलेक्ट्रॉन है वो यूज हो रहा है किसमें? वो एराइल कॉम्प्लेक्स के साथ बॉन्डिंग में यूज हो रहा है। केवल ये जो इलेक्ट्रॉन है यूज्ड फॉर एराइल बॉन्डिंग। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। अब डी ऑर्बिटल में यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 है, तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम यहाँ फिल करेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सिमिलरली यहाँ पे भी 2, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन को इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करना, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल जितने भी हैं वो सब इनबिटवीन होंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 10 - 0/2, दिस इज इक्वल टू 5, दैट इज यहाँ पे 5 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।